नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि आपका ब्रह्मचर्य पालन किस कमी से टूट जाता है। दोस्तों, यदि हम बात करें कि आपका ब्रह्मचर्य पालन किस कमी से टूट जाता है, तो सबसे बड़ी अगर कमी बताऊँ तो मैं वो बताऊँगा खाना खाने से, कि हमारा खाना खाने का जो तरीका होता है, भोजन करने का जो तरीका होता है, उससे हमारा ब्रह्मचर्य पालन टूट जाता है। देखो, जब भी हम खाना खाते हैं शाम को, हमें सोने से पहले खाना नहीं खाना है, हमें कम से कम सोने से 2-3 घंटे पहले खाना खाना है, जिससे कि हमारा अच्छे से भोजन पच जाए। वो इसलिए, यदि आप अच्छे से चबा चबा कर भोजन करोगे तो आपको अच्छे से बेनिफिट्स भी मिलेंगे। यदि आप भोजन को सोते वक्त खाओगे तो उससे 10-5 मिनट पहले खाओगे तो आपका वो भोजन अच्छे से नहीं पचता है, इससे हमारा नाइट फेल होता है, क्योंकि उसका भोजन का वेग हमारे वीर्य पर पड़ता है, जिससे कि हमारा सीमन रिटेंशन हो सकता है, जिससे कि हम अच्छे से भोजन चबा चबा कर खाएँ और समय से पहले खाएँ। यदि आप इन नियमों का पालन करते हो तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आपका ब्रह्मचर्य पालन भी अच्छे से चलेगा। और यदि आप, सबसे अच्छी बात बताऊँ तो भोजन को 1/2 घंटे पहले खा लें, तो आप मेडिटेशन ध्यान करें, उससे पहले भोजन को खा लें, ठीक। उसके भोजन करने के बाद आपको यदि मेडिटेशन व्यायाम करें तो उससे आपका भोजन अच्छे से पच जाता है, आपको रात को स्वप्न दोष की दिक्कतों से भी मुक्ति मिलती है। यदि आप मेरी बताई हुई बातों पर अच्छे से अमल करते हो तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, किसी भाई का भी ब्रह्मचर्य पालन नहीं टूटेगा। यदि आप चाहते हो ऐसी वीडियो और मिले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, और वीडियो शेयर ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें। आपके कमेंट से मुझे पता पड़ता है कि मुझ में क्या कमी है। यदि आप मुझे कमेंट करके बताओगे आपकी वीडियो में ये कमी है, तो मैं उस कमी को पूरा करूँगा। धन्यवाद।